स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग। अमेरिका के ट्विन टावर को तबाह करने वाला अलकायदा का अगला निशाना अयोध्या राम मंदिर का है। अलकायदा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर गिराने की धमकी दे डाली है। ये कोई खोखली धमकी अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अलकायदा वालों ने असम के अंदर इसकी प्लानिंग करना भी शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 2024 को अमित शाह ने जैसे ही अयोध्या के मंदिर की खुलने की तारीख अनाउंसमेंट की थी, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इसके जवाब के अंदर सीरिया में बैठे अलकायदावादी ग्रुप ने ये बात रिलीज कर दी। अलकायदा वालों की एक रेडिकल मैगजीन गजवाए हिंद की मैगजीन के कवर पेज के ऊपर बाबरी मस्जिद को फीचर किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी और योगी को ओपनली धमकी भी दी है, हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और उसकी जगह हम एक मेस्को बना देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन मुस्लिम को भड़काने की कोशिश भी की। भारत में उनके लिए ये कोई जन्नुम से कम नहीं और उन्हें अपना हक वहाँ कभी नहीं मिल सकता, तो वे भारत से लड़कर ही वे अपना हक ले सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सब चीजों को टेकल करने के लिए एक बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग की है। यह बात कहकर के भारत के मुस्लिम एक बहुत बड़े देशभक्त है जो अपने देश के लिए जीने में मरने के लिए तैयार रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स विल लिव फॉर इंडिया, दे विल डाई फॉर इंडिया। 1990 में ओसामा सूडान में बैठे बैठे इंडिया के अंदर आतंकवाद फैलाता था। उसने आतंकवाद फैलाने के लिए एक मिलिट्री भी तैयार की थी, जिसके बाद 2001 में ट्रेन मिलिटियर्स कश्मीरी मिलिटियन ग्रुप हरकतुल्ला मिजाउद्दीन के साथ शामिल हो चुके थे। लेकिन अलकायदावादी यहाँ पर भी नहीं रुका था। 15 अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ के अंदर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला प्लानिंग किया था। हमले के बस एक महीने पहले ही इंडिया के इंटेलिजेंट और सीक्रेट फोर्स ने लखनऊ के अंदर सेल्स को पकड़ लिया गया, जिनका मेजर मकसद यह था कि लखनऊ के अंदर और उत्तर प्रदेश की मेजर सोसाइटी पर बॉम्बिंग अटैक करे। ATS said that they were trying to conduct suicide attacks in the run up to Independence Day. इन सब के लिए उन्होंने प्रेशर कुकर बम भी कर तैयार रखे थे। अलकायदा वादियों का एक बहुत बड़ा संगठन असम के अंदर भी हाल ही में ऑपरेट हो रहा है और वहाँ पर 48 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया था और ये सभी आतंकवादी ये सिर्फ एक टीचर थे। अलकायदा वादियों के साउथ एशिया विंग के सबसे लीडर उत्तर प्रदेश की संबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सन्ना उल्ला, जो कि खुद एक ग्रेजुएट है, वो एक बहुत बड़ी कल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके ग्रैंडफादर जो कि गांव के प्रधान भी रह चुके हैं और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं और उनके भी ग्रेट अंकल एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। अलकायदावादी सोशल मीडिया पर अपना रिक्रूटमेंट प्रक्रिया भी लगातार चलाता है और इस ऑपरेशन का भी चीफ एक इंडियन है और उसका नाम है बरकतुल्ला गोरी। इसे एक तरह का आप सोशल मीडिया मैनेजर भी बोल सकते हैं। जहां अभी तक राम मंदिर को लेकर दी गई धमकियां हैं, सवाल ये है कि ये पहले भी बहुत बार मिल चुकी हैं। अब ऐसा हो रहा है कि अलकायदा वादियों की ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है। सांता चार्ली एब्डो, एक ही जंग है, ख्वाहे ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्डो के कलम से, IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए या अक्वामे मुत्तहदा के कुफरिया चार्टर को मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत करके कैरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग। जैसे आप सब लोगों ने ये बात सुनी ही होगी, अलकायदावादियों ने इंडिया के सोशल हार्म को डिजास्टर करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश भी करता है। पिछले साल अप्रैल के महीने में इंडिया में हो रहे हिजाब प्रोटेस्ट के अंदर आपको ये वीडियो जरूर याद होगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। ऐसे वीडियो ये जारी कर लड़कियों को एयर ब्रेव मुजाउद्दीन सिस्टम बुलाया था और इस लड़की की तारीफ के अंदर कविता भी लिखी गई थी। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये लगातार सवाल भी उठाया था, इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर कैसे आ गए, जरूर इसमें किसी बार वाले का हाथ लग रहा है और कोई ना कोई अनसीन पावर लगातार इसको ऑपरेट कर रही है। बाकी आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूले। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।